गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं हूं डॉक्टर विकास कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पेरियार के 10 तर्कशील विचार को जानेंगे। उनका पहला विचार है, ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क बुद्धि तथा बुद्धि शक्ति हो। दोस्तों, उनका दूसरा कोटेशन है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। उनका तीसरा कोटेशन है, विदेशी ग्रहों को संदेश भेज रहे हैं हम ब्राह्मणों के माध्यम से अपने मृत पूर्वजों को। चौथा कोटेशन उनका है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता समान रहना चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना होगा। उनका पांचवा कोटेशन है, मानव जाति होने के बावजूद भी मानव मानव को पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो, मानव को मानव नहीं दिखता क्या। कितने अच्छे कोटेशन रिया रामास्वामी ने दिए हैं दोस्तों। इनका छठा कोटेशन है, ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों पुराण की सहायता से गुलाम बनाया है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। इन्होंने सीधे तौर पे ब्राह्मणों को ललकारा है। इनका सातवा कोटेशन है, ना पत्थर पर विश्वास है ना भगवान पर विश्वास है, इंसान हूँ मुझे इंसानियत पर विश्वास है। दोस्तों, इनका कोटेशन बहुत विवादित भी रहा है। दोस्तों, ये आठवां कोटेशन देखिए दोस्तों, केवल शिक्षा स्वाभिमान और संपन्न पारक गुणधर्म ही दलितों का उत्थान करेंगे, ये कहते हैं दोस्तों। इनका नौवां कोटेशन है, लोगों को सबसे न्यून जातियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए धर्म या ईश्वर या धार्मिक सिद्धांतों का सहारा लेना बेतुका बात है। दोस्तों, सीधे तौर पर प्रहार। दसवें कोटेशन में इन्होंने कहा है, SC ST OBC की बेवकूफी के कारण निर्जीव पत्थर भी ब्राह्मणों को कमाकर दे देते हैं। देखिए दोस्तों,